आप सभी को ये जरूर लगता होगा कि आखिर सोना का निर्माण कैसे होता है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, सोना एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतिम AU है और इसका प्रमुख अगर केमिकल्स की बात करें तो 79 होता है, हल्का पीला टाइप का होता है। सोना प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला तत्व है। हमारी पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारी चीजें भंडार है और इसी में बहुत सारे खनिज में आते हैं। सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुएं, पेट्रोलियम खनिज और बहुत सारे पृथ्वी के अंदर जो है मिल पाते हैं। सोने का निर्माण की बात की जाए तो वैज्ञानिक के अनुसार जीवाश्म के कारण धरती के अंदर तैयार होता है, यानी कि करोड़ों साल पहले बहुत सारी चीजें दबे और उसके बाद जो है करोड़ों साल बाद निकालने के बाद एक अलग अलग तरह के सोना, हीरा, जवाहरात और खनिज मिल पाते हैं। जबकि कुछ वैज्ञानिक का यह भी मानना है कि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर धूमकेतु की वर्षा हुई थी और तभी आकार में धातु धरती के अंदर की गहराई में समा गए थे और रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिकल्स रिएक्शन के बाद के जरिए सोने का निर्माण संभव हो पाया और धीरे धीरे वो इतना कठोर पदार्थ बन गया कि कुछ उसमें से हीरा और कुछ तांबे, कुछ सोना और अलग 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 पदार्थ अंदर से निकल पाए। अब बात करते हैं कि आखिर सोने का निर्माण कैसे होता है। देखिए, आमतौर पर सोना बिल्कुल शुद्ध रूप से पाया जाता है, हालांकि इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लीड से भी निकाला जा सकता है। समुद्री पानी से भी सोना निकाला जा सकता है, जबकि एक टन पानी से एक ग्रेन सोना का लगभग 40वां भाग निकलता है। लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्याप्त नहीं है। सोना आमतौर पर दो तरह के डियोजिस्ट में पाया जाता है, एक है लोड और एक है वेनिन डोफ्टर और प्लेसर डिपॉजिट। सोना निकालने के लिए एक मिनी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। माइनिंग तकनीक से सोना निकालने के बदले इसे रिफाइन करके करने के लिए चार मुख्य प्रक्रियाएं में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल है फ्लूट्रीन, कार्बन इन प्लग और अलग अलग तरह के जो है प्रक्रियाएं शामिल है जिसके कारण यहाँ पर सोना निकालने का संभवतः हो पाता है। प्रत्येक प्रक्रिया से होने वाले व्यस्क की शुरुआत पिसाई पर निर्भर करता है और सोने का अयस्क के उसे बैच पर एक अधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जाता है। वेन यानी कि छोटी दरारों में से एक चमकीले पत्थर के रूप में खनिज के साथ मिक्स होता है जो आसपास की चट्टानों के विभाजित भर देता है और सोने के आसपास चट्टाने में ड्रल और ब्लास्ट की प्रक्रिया किया जाता है। देखिए, अगर बता दें कि लोड बड़ी दरारें भी पाई जाती है उसके अंदर और उसमें डिपोसाइड भूमि के अंदर काफी गहराई तक जाने के बाद जो है भूमि के अंदर माइलिंग के लिए यानी कि बम ब्लास्ट के लिए माइलिंग वेन के साथ खुदाई करना पड़ता और इसके बाद नुकीले औजार या छोटे विस्फोटों का इस्तेमाल से सोने अयस्क के चट्टानों से अलग कर देता है और बाद में सोने को इकट्ठे कर रिफाइनिंग मिल में रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद एक नए सोने का तैयार होता है। अब दूसरा होता है कि दूसरे तरीके में प्लेसर डिपोसाइड के तरीके से सोने को अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सोने अयस्क के बड़े टुकड़े दाने होते हैं जो लोड डिपोसाइड से नदी के धारों के साथ बहकर आ गए हैं और सामान्य तौर पर इस पर कंकड़ के साथ मिक्स हो जाता है और प्लेस डिपोजिट में माइन करने के लिए तीन मुख्य तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर बेसिन छटाई बम के तौर पर किया जाता है। इसमें हाइड्रोलिक माइंडिंग का सहारा भी लिया जाता है। हाइड्रोलिक माइंडिंग यानी कि उसमें हाइड्रोलिक माइंडिंग नामक एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उच्च दाब के साथ पानी की धारा का इस्तेमाल करने पर सोने अयस्क पर प्रवाह किया जाता है और इस पर अयस्क के किनारे से दूर किया जाता है। अब सोने अयस्कों के बहते पानी का सोना पकड़ने के लिए नलियों के सहित बना बॉक्स सहायता से धोया जाता है जिसे सोने को पकड़ने से खांचे बन जाते हैं और इस तरह से खांचे बनने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार के सोने को तैयार किया जाता है। सोने को जब माइलिंग के बाद सोने अयस्कों को निकाल लिया जाता है तब आमतौर पर इसे खान पर प्रारंभिक शोधन तकनीकों के रूप में धोया और फिल्टर किया जाता है और इसके बाद मिलों में भेजा जाता है जहां इसे पहले पानी के साथ मिक्स किया जाता है और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के साथ उसे बांट लिया जाता है पीसों में। इसे मिश्रण को एक बॉल मिल के पीस दिया जाता है और यह एक घूमता हुआ बेलनानाश बर्तन है जो अयस्कों को कूटने के लिए स्टील बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अयस्क से सोने को अलग अलग करने के तरीकों में कई मेथोड्स जिन्हें एक प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक फ्लोटरिंग तरीका भी आता है यानी कि फ्लोटरिंग यानी कि तैरने की क्रिया। इस क्रिया में सोने को अयस्कों को अलग अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद भूमि अयस्कों को एक घोल में डाला जाता है जिससे फ्लोटरिंग एजेंट जो पीछे के झाग पैदा करता है और एक कलेक्ट्री एजेंट ओनली फिल्म बनता है जो
ईयर बॉस्ट की चिपकती है और यह ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिश्रण करने के बाद पदार्थों में एक नए एयर बॉक्स के साथ चिपकने लग जाता है। अब यह पानी हवा के गैस में मिलाई जाती है और बुलबुले उठना शुरू हो जाता है और सोने एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है। यह बुलबुले पानी के ऊपर तैरने लगता है और सोने को बुलबुले की लेयर के साथ अलग अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया में से सोने को अशुद्धि को अलग करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और भूमि अयस्कों को साइनेटिक कमजोर घोल में टैंक में रख दिया जाता है और इसके बाद जिंक का टैंक में डाल दिया जाता है। जिंक की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना अयस्क अलग हो जाता है। अब सोने को फिल्टर कर देने के बाद जो है नया एक सोने का तैयार हो जाता है और इस तरह से अलग अलग ढांचों में उसे बांधने के बाद उसे मशीनों के द्वारा झुमके बालियां और अलग अलग तरह के सोने का एक पहनने की ताबीज और मूर्तियां बनाया जाता है और इस तरह से पूरे मार्केट में सप्लाई होता है और साथ ही साथ यह पूरी इकोनॉमी सोना पर ही डिपेंड करता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए